हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन टैग्स इनके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन टैग्स यह बोलचाल में सामान्य आदत होती है कि कथन किया जाए और फिर उसकी पुष्टि के लिए कहा जाए। इसका प्रयोग बोलचाल की भाषा के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन टैग्स के माध्यम से हम अपने अनुमान, निष्कर्ष, संदेह, निश्चितता, अनिश्चितता इत्यादि व्यक्त करते हैं। इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, यह किसी वाक्य के अंत में प्रयोग किया जाता है, जैसे इट्स वेरी हॉट इजंट इट। बाद में आने वाला भाग जो है इजंट इट, जो क्वेश्चन करने के बाद जो लगा हुआ है, ये टैग कहलाता है। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए ऐसी सहायक क्रिया जिनके साथ नॉट लगा हो उसे संक्षिप्त रूप में लिख कर प्रयोग करते हैं। दिए गए वाक्य में सहायक क्रिया ना हो, मतलब अगर कोई वाक्य दिया है और उसमें सहायक क्रिया नहीं है, तब वाक्य में कर्ता अगर एक वचन है तो उसके साथ ही, शी, इट या कोई नाम हो, सिंगुलर नाउन हो, उसके साथ में ये लगेगा। तो इसके बाद डस का प्रयोग करते हैं। अगर कर्ता बहुवचन है, आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन हो, तो उसके साथ डू का प्रयोग हम करते हैं। क्रियाएं जो शॉर्ट फॉर्म में उपयोग होती हैं, जिन वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब होती है, इज, एम, आर, हैज, हैड, वाज, विल, वर, ये सारी चीज़ों में नॉट लगा करके इनका शॉर्ट फॉर्म बना लिया जाता है जो दिया गया चार्ट में है। लेकिन कुछ वाक्य होते हैं जैसे प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल, ऐसे वाक्यों में, इन टेंसों के जो वाक्य हैं, इनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। तब इन वाक्यों में मैंने जैसे पहले ही बताया कि डू, डज या डिड का प्रयोग करके हम क्वेश्चन टैग बना देते हैं। अब बात आती है कि वाक्य इनको, जब अगर वाक्य दिया गया वाक्य जो है सकारात्मक है तभी इनका प्रयोग होगा, ये नकारात्मक बन जाते हैं। लेकिन वाक्य अगर नकारात्मक दिया हुआ है तो फिर इसमें नॉट नहीं लगाते हैं, सिंपल इसको साथ में लगा करके और जो भी हमारी करता है हम उसको लिख देते हैं। सकारात्मक वाक्य या नकारात्मक वाक्य को जोरदार बनाने के लिए, एम्फेटिक बनाने के लिए ये जोड़ा गया जो प्रश्न का जो पूंछ है या पुंछ है को ही क्वेश्चन टैग कहते हैं। इसका प्रयोग बातों के आदान प्रदान में बहुत किया जाता है। एग्जाम्पल, ही टेक्स एक्सरसाइज डेली। जब हम इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो ही टेक्स एक्सरसाइज डेली के बाद, चूंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है और ये प्रेजेंट सिंपल का है, इसलिए और इसका जो कर्ता है, जो नाउन है, वो एक वचन का, इसलिए डजंट ही इसमें शॉर्ट फॉर्म के साथ में लगा देंगे क्वेश्चन टैग। एग्जाम्पल नंबर टू, सी इज इंटेलिजेंट। क्वेश्चन टैग इसका बनेगा सी इज इंटेलिजेंट इजंट शी। अब इस वाले वाक्य में हेल्पिंग वर्ब है और इज इसमें हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए जब हम इसको क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो इजेंट के साथ में नॉट लगा कर, क्योंकि वाक्य सकारात्मक है तो इजेंट का शॉर्ट फॉर्म ले लेंगे और कर्ता जो कि शी है उसको फिर से लिख करके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्वेश्चन टैग जो है बनाने के कुछ नियम हैं। पहला है, यदि मूल वाक्य सकारात्मक में रहे तो क्वेश्चन टैग नकारात्मक में हो जाता है। एग्जाम्पल, द खीर इज वेरी गुड। क्वेश्चन टैग इसका जो बन रहा है, द खीर इज वेरी गुड इजंट इट, क्योंकि इसमें सहायक क्रिया इज है और चूंकि खीर नाउन है तो, और वो भी मटेरियल नाउन है, इसलिए उसकी जगह पे इट का प्रयोग किया गया है। दूसरा, यदि मूल वाक्य नकारात्मक में रहे तो क्वेश्चन टैग सकारात्मक हो जाता है। एग्जाम्पल, यू कैनॉट गो विथ योर फ्रेंड। क्वेश्चन टैग, यू कैनॉट गो विथ योर फ्रेंड कैन यू। यहाँ पे जो कि हमारा मेन वाक्य है,
वो नॉट कैन नॉट मतलब नेगेटिव है, इसलिए जब इसका क्वेश्चन टैग लगा तो कैन के साथ में कैन, क्योंकि एक हेल्पिंग वर्ब ही है, मॉडल है, और उसके साथ में यू जो कि हमारा कर्ता है या सब्जेक्ट है। इसके अलावा क्वेश्चन टैग्स जुड़ने के लिए मूल वाक्य के अंत का प्रयोग किया जाता है, जो भी मेन वाक्य होगा उसके लास्ट में ही इसको लगाया जाता है। चौथा, क्वेश्चन टैग हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू किया जाता है। और पांचवा, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नोट करने वाली कुछ बातें हैं, यदि वाक्य में सहायक क्रिया नहीं है तब क्वेश्चन टैग को टेंस के अनुसार डज, डू, डिड, डजंट, डोंट, डिडेंट आदि का प्रयोग किया जाता है। सहायक क्रिया जिनमें लगी होती है उनको शॉर्ट फॉर्म में बनाकर क्वेश्चन टैग बनाते हैं। और अगला, प्रश्न अगर आशावाचक है तो उसमें विल यू या वोंट यू का प्रयोग किया जाता है। और अगला, मूल वाक्य का सब्जेक्ट क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन के रूप में सब्जेक्ट बनाया जाता है। एग्जाम्पल्स, वन, दे टेक एक्सरसाइज डेली, दे टेक एक्सरसाइज डेली डोंट दे, सीता इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, सीता इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग इजंट शी, ही हैज नो फ्रेंड, ही हैज नो फ्रेंड हैज ही। नेक्स्ट, नो वन नो द ट्रुथ, no one know the truth, does it?